सीरियल उडारिया में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जैस्मिन अपनी जगह तेजो की जिंदगी में बनाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो फतेह को पा सके। हालांकि मामी ने वार्निंग तो जरूर दे दी है, कह दिया है कि वो फतेह और तेजो से दूर रहे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका भांडाफोड़ वो कर देंगी पूरी फैमिली के सामने। अब यहाँ पर आपने देखा कि जैस्मिन झूठ बोलकर तेजो के घर तो आ जाती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वॉशरूम जाकर वो फतेह की यादों में खो जाती है। वहां पर वॉशरूम में फतेह के रखे कपड़े को वो सीने से लगा लेती है और तभी वहां पर तेजो पहुंचने वाली होती है उसी बाथरूम में। लेकिन अब कल के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि तेजो जो है वो बाथरूम में जरूर जाएगी, लेकिन जैस्मिन को फतेह के ड्रेस को गले लगाते हुए ये सीन वो नहीं देख पाएगी। यहाँ पर एक बार जब फतेह मूव ऑन कर रहा था, लेकिन अब फिर से जैस्मिन की रची साजिशों में फंसता हुआ जा रहा है। जहां अब जैस्मिन तेजो के साथ शॉपिंग कर रही है, वहीं गिप्पी भी आ जाएगा, गिप्पी को गले लगा लेगी। जैस्मिन दूर खड़ा फतेह ये देख रहा होता है, फतेह को अब ये नहीं अच्छा लग रहा है। फतेह गुस्से में आ रहा है कि जैस्मिन ने गिप्पी को गले लगाया है और साथ ही साथ गिप्पी और जैस्मिन दोनों साथ में बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। ये सब फतेह से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। एक बार फिर से फतेह जैस्मिन की यादों में खो रहा है। अब वो घर आकर जैस्मिन के मोबाइल को जिसे ब्लॉक किया था उसे वो अनब्लॉक करता है और फिर जैस्मिन के मैसेज को पढ़ता है। उस मैसेज में साफ लिखा हुआ था, फतेह तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुम इतनी जल्दी अपने प्यार को भूल गए, इतनी जल्दी तुम तेजो को अपना लिए। सब कुछ वो पढ़ लेता है, यानी एक बार फिर से फतेह टूट रहा है जैस्मिन की यादों में। देखना दिलचस्प होता है कि भाई कौन सा बड़ा ट्विस्ट शो में आता है।